गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं गाइस एनिमल रिवॉल्ट बैटल सिमुलेटर। तो गाइस पिछले एपिसोड पे ना मैंने थोड़े से ही लेवल्स खेले थे, बाकी सबके आधे आधे करे थे, तो इस बार हम पूरे ही लेवल को क्लियर कर देंगे आप सभी लोगों के लिए। तो चलो गाइस मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो अभी हमारे सामने घोड़े हैं चार, और हम इतने सारे बंदों को बिछा देंगे कि ये घोड़े भी हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाइस 20 वाले मैंने 5 रखे हैं और छोटे वाले अपने रखे हैं 4 या 2। तो अब देखते हैं कि ये घोड़े उनको मार पाते हैं कि नहीं, कि घोड़े जीतेंगे कि अपने ये बंदे जीतेंगे कि घोड़े जीतेंगे, क्या लगता है गाइस आपको, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो गाइस मैं बंदों को सेट कर दूँगा, आप बस मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जीतेंगे कि नहीं। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं, तो चलो ये भी देखना है कि अब हमें क्या करना है। वैसे तो ये तीर वाले हम पीछे बिछाएंगे और थोड़े गन्स वाले आगे पीछे, और ये बल्लेबाज को भी हम आगे रखेंगे। तो देखते हैं कि अब क्या। ओ भाई साहब क्या पार है इनके पास, ये गोली वालों के पास, इनने तो खेल ही ख़त्म कर दिया पूरे यहाँ पर सिपाहियों का। तो गाइस ये लेवल भी हम जीत चुके हैं, मुझे लगता है कि मैं जल्दी से बहुत जल्दी ही क्लियर कर लूँगा 15 लेवल्स। तो यहाँ पर गाइस ऐसा नहीं है कि मैं आउट नहीं हो रहा, कुछ लेवल्स में मैं आउट होता हूँ पर वो आपको नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उससे टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको पार करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने, ओ भाई यहाँ पर तो ख़तरनाक ही पावर है गन वालों के पास, तो ये आराम से हो रहा है क्लियरली। तो यहाँ पर तो अभी मैं तो एक बार भी नहीं हार रहा हूँ, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है गाइस। ये गोरिल्ला खड़े हुए हैं, गेंडे वेंडे खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो चलो इनको भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और देखते हैं अब मैं कौन से बंदे बैठा हूँ यहाँ पर, ये इतने सारे मैंने बल्लेबाज रख चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अरे 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 अरे, ये गेंडे भी कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है वो भाई, यहाँ ये तो इनने काम ही डाल दिए गन वालों ने। तो हमने ये वाली स्टेज भी क्लियर कर लिया, अब हम आ चुके हैं 8th लेवल पर। अब ये हमारे हाथी महाराज हैं, इनको हराने के लिए तो कुछ ज़्यादा सिपाही चाहिए रहेंगे मुझको ऐसा लगता है। वैसे तो मैंने अभी ये पीछे वाले 2 रख दिए और आगे तलवार वाले, अब देखते हैं क्या होता है बॉस। वैसे हाथियों को हराना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, पर मैंने सिपाही अच्छे से सेट कर दिए हैं, तो चलो देखते हैं कि इनको हरा पाता हूँ मैं कि नहीं। एक हाथी को तो ढेर कर दिया हमारे सिपाही ने, और कुछ हाथी तो दब चुके हैं यार, हाथी के नीचे मेरे कुछ सिपाही दब चुके हैं। ये क्या हो रहा है भाई, अलग ही सीन चलता है यहाँ पर। तो एक सिपाही की मेरी पूरी हेल्थ है और ये मर जाता है, तो ये मेरा एक और तो बचा ही है, तो वो वाला ख़त्म हो चुका है। अब ये हाँ इसने खोल दिया है अपने हाथी ने, और यहाँ पर इन्हें मेरे ख्याल से तो मार ही दिया है, थोड़ा सा एंगल गड़बड़ा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, इस बार भी हाँ तुम्हारा भाई जीत चुका है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है कटवट मारने की, यहाँ तो सब कुछ क्लियरली ही विन कर रहे हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा गेंडे हैं और भी जानवर हैं, पता नहीं क्या क्या है, गेंडे और पीछे बकरी अकरी कुछ टाइप की है, तो ये सब तो मैंने तो अभी ये आगे वाले लगा दिए हैं, और कुछ सिपाही लगे हुए हैं। गन वाला इस बार शायद से था नहीं मेरे पास, ये तो इनको भी लगा देते हम। वैसे तो मेरे प्लेयर्स जीतते हुए नज़र आ ही रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी हम जीत जाएंगे गाइस। तो चलो हर बार तो हम ही जीतेंगे, मुझे तो लग रहा है ऐसा। अभी हम 11वीं स्टेज में पहुँच चुके हैं। अब ये जिराफ तो काफ़ी बड़ा एनिमल है और ये जंगली भी है। यहाँ मैंने बंदे सेट कर दिए हैं पीछे के ये 3, और आगे के ये तलवार वाले लगा दिए हैं हमने गाइस। तो चलो देखते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, इनसे लड़ पाते कि नहीं। एक जिराफ को ढेर कर दिया है हमारे सिपाहियों ने। अब एक तो मैंने लगाया था, कौन सा तो लगाया था यार, भूल गया मैं, यहाँ पर ये तीर वाले लगाए थे और उसने तीर वालों ने ही हमारा गेम को जिता दिया है। तब हम 11th स्टेज में आ चुके हैं, अब गोरिल्ला आ चुके हैं। अब गोरिल्ला के लिए मैं पहले लगाता हूँ ये 10 वाले, ये 3 ठो, और मैं पॉइंट्स कमी होने के कारण मैं एक घोड़े को लगा दूँगा, और यहाँ पर ये तीर वाले ज़रूरी है क्योंकि घोड़ा वाला तो मेरे को लग रहा है कि पावरफुल होगा, देखते क्या होता है। नहीं मार पाता ये घोड़ा वाला, वहाँ कहाँ जा रहा है भाई, गोरिल्ले यहाँ हैं। ओ भाई साहब एक गोरिल्ला गिर चुका है, और ये घोड़ा करना क्या चाहता है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। शील्ड वाले को तो उड़ा दिया है एक ने, और घोड़ा
भी मार दिया है यार। ओ भाई खतरनाक ही चीज़ है यहाँ। तो अब गाइस हम आ चुके 11th 12th स्टेज में, तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर आगे। अब कुछ ज़्यादा ही गोरिल्ला आ चुके हैं, तो मैं ये घोड़े वाले को लगाता हूँ एक, और भी एक को नहीं रुको, अच्छा घोड़े वाले को तीन चार लगा देते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं और आगे लगाते हैं हम ये शील्ड वाले बंदे, क्योंकि पहले मरेंगे तो शील्ड वाले मरेंगे, घोड़े वाले लास्ट में मरे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और एक दो मैं ये लगा देता हूँ, ये तीर जो चलाते हैं वो वाले का ही सेट कर लेता हूँ। और यहाँ से अगर मैं इस पे जीतता हूँ तो आप लोग इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गेम में, तो आप लोग डेफिनेटली ही जीतेंगे अगर मैं जीतता हूँ तो, वरना अदरवाइज़ कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बता ही दूंगा वैसे भी बाद में। और यहाँ पर ये घोड़ा मार रहा है उनको, वैसे घोड़े वाले काफ़ी पावरफुल हैं, देख रहे उनको भाग के गए, सबको ख़त्म कर दिया वहाँ पर। ये सही है बॉस। अब पता नहीं मैं कौन सी स्टेज में आ चुका, मैं तो डायरेक्टली ही चालू कर देता हूँ। वैसे अब ये कुछ थौड़ क्या हथौड़ा लेके खड़े हुए हैं यार, तो चलो देखते हैं। लाल वाले आगे घोड़े वाले पीछे, यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, और हमें लगाने हैं तीर वाले भी पीछे, क्योंकि तीर वाले मर सकते हैं, क्योंकि वो आएंगे डायरेक्टली तीर वाले आराम से ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए गाइस आपको तीर वाले हमेशा पीछे लगाने हैं। और इनके पास तो काफ़ी बड़े बड़े हथौड़े हैं, तो यहाँ से मैं तीर वाले चलाता हूँ। ले ओ भाई घोड़े को भी इनने हथौड़े से मार दिया। तीर वाले क्यों नहीं चला रहे हैं ये तीर, पता नहीं, एक तो जा चुका है। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर तो हमने विक्ट्री हासिल कर ली है, जैसी मेरी स्ट्रेटजी थी, अगर मैं तीर वालों को आगे लगाते तो उन्होंने मार ही देते मुझे। तो यहाँ से मैं अब गाइस ये खड़े हुए हैं कुछ सांड, अब इन सांड को मारने के लिए मुझे चाहिए रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सांड हैं। और मैंने देखा गाइस इसमें हम और भी मॉडर्न वाले प्लेयर्स भी कर सकते हैं और ऐसे वाले भी, इस पे ये ऑप्शन था, तो मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ पहले। अब लिमिट तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, चलो इनको बढ़ाते हैं। एक बंदा मैंने वहाँ पर लगा दिया था क्योंकि वो बम सा कुछ रहा, तो अब देखते हैं इन लोग जीतते हैं कि नहीं। मॉडर्न वालों को तो वैसे मैंने यूज़ ही नहीं किया है, वैसे आप लोग चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसको, अभी तो मुझे ज़रूरत लगती है, आगे हो जाता है अगर मैं आउट होता हूँ तो मैं नेक्स्ट मिशन में उसको अप्लाई करूँगा, अभी तो वैसे मुझको लगता है कि ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी सांड की लाइफ बहुत ही कम है और एक सांड और बचा और प्लेयर मेरे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको तो मार ही देंगे आराम से। यहाँ पर ये पता नहीं ऑटोमेटिकली एंगल चेंज क्यों हो जाता है, इसमें ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर अब मैं लास्ट मिशन खेल रहा हूँ गाइस इसका, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो इस मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था मैं बिन मरे इतनी आगे पहुंच गया हूँ। तो चलो देखते हैं अब 15th स्टेज में क्या डिफ़िकल्ट है। ओ भाई साहब यहाँ तो एक ही बंदे से मैं इतने सारे, तो पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एक बंदा तो को नहीं मार पाएगा, 100 वाले को लेता हूँ तो पूरा फुल हो जाएगा। तो मैंने कहा इस तीर वाले पीछे ले लिए और शील्ड वाले आगे कर दिए हैं, तो यहाँ से आप देखते हैं बॉस क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ से मैं चला रहे हैं अपने गनमैन और शील्ड वाले हमें थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो बाकी के तो बेकार ही रहे। तो ये गाइस हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया, तो गाइस मुझे यकीन नहीं हो तुम्हारे भाई ने इतने आराम से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।